क्या क्या चल रहा होगा इसमें? ये मांस नीचे जा रहा होगा M1, वो रोटेट कर रहा होगा, खुद भी गिर रहा होगा। तीन अननोन तो यही आ गए, इसका एक्सेलरेशन, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, उसका अल्फा। तीन इक्वेशन भी आ जाएंगी, एक न्यूटन सेकेंड लॉ, एक और न्यूटन सेकेंड लॉ, एक टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। इतना तो सबका हो जाना चाहिए इतनी देर में। ठीक है, दो टेंशन अननोन और एक ए, दो ए एक अल्फा अननोन, पांच और पांच इक्वेशन। नहीं आ रही समझ में? लिख ली पांचों? शुरू करूं मैं? सो हियर वी बिगिन। फाइव इक्वेशंस की तैयारी। टी वन, एम वन जी, ए वन। कोई प्रॉब्लम? आई होप सबने कम से कम ये तो लिखी होगी। दूसरी इक्वेशन क्लियर है? न्यूटन सेकंड लॉ। ऑलराइट, टॉर्क ऐसे घूम रहा होगा अल्फा टू से, अंदर की तरफ वाले को पॉजिटिव माना है। टी वन का टॉर्क पॉजिटिव की नेगेटिव? कितना? इनटू 3R। दिखता है? टी टू का टॉर्क पॉजिटिव की नेगेटिव? आई टू अल्फा टू। कॉपी कर लीजिए, पांच तीन इक्वेशंस हो गई हैं। आपने जो भी गलत करी थी चेक करिए, क्या गलती करी है। नहीं समझ में आए गलती तो पूछिए। कौन सी मिस्टेक थी, कौन सी गलत लिखी थी? एनीवन? सही है सारी? बढ़ू मैं आगे? ऑलराइट, वी वन कह लो ए वन कह लो, मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं वी वन लिख रहा हूं। कंस्ट्रेंट तो वी से भी निकालते हैं फिर ये लिखते हैं, आपको पता होगा ये बात। राइट, ये सारी वेलोसिटी, सारे एक्सेलरेशन कौन से फ्रेम में लिख गए? ग्राउंड फ्रेम में, याद रखिएगा ये बात, है ना? राइट, ये ऐसे घूम रहा है। इस पॉइंट की वेलोसिटी जो बेलन पे कितनी होगी? हाँ, वी टू माइनस ओमेगा टू आर, यही होगी बेलन वाले पॉइंट की वेलोसिटी। पक्का? ये रस्सी को टच कर रहा है, रस्सी की वेलोसिटी कितनी है? कैसे पता जीरो है? क्योंकि ये वाला पॉइंट भी रेस्ट पे है। राइट, तो वी टू माइनस ओमेगा टू आर जो बेलन की पॉइंट की वेलोसिटी है वो रस्सी के बराबर होगी, और रस्सी की वेलोसिटी है जीरो। राइट, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहां के लिए इक्वेशन आ जाएगी ए टू माइनस अल्फा टू आर इज इक्वल्स टू जीरो। बढ़ू मैं आगे?
अब इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी जो रस्सी को टच कर रहा है? वी टू ओमेगा टू इंटू आर, ओमेगा टू इंटू, समझ में आया कि ओमेगा टू इंटू थ्री आर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्यों बोल रहा हूं? ये पॉइंट ओमेगा टू इंटू थ्री आर से नीचे जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर के रेस्पेक्ट। ये पॉइंट सेंटर के रेस्पेक्ट में ओमेगा टू इंटू थ्री आर से नीचे जा रहा है। कोई कंफ्यूजन? पक्का? पक्का? ऑल राइट। ये रस्सी किस पॉइंट को टच कर रहा होगा? रस्सी का पॉइंट किस वेलोसिटी से चल रहा है? पांच इक्वेशन, पांच अननोन, सॉल्ट। देख लीजिए, आपको जो समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, नो हरी। एनीवन? एनी डाउट्स? क्लियर है बिल्कुल? कुछ भी पूछना हो, व्हाट्स एवर। नहीं, नो कंफ्यूजन। ऑलराइट, इसका फास्ट वाला सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, समझ में आने के चांसेस कम है, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? सारी क्वेश्चंस आ गई समझ में? इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ए टू प्लस अल्फा टू थ्री आर इज इक्वल्स टू ए वन। कौन से फ्रेम में लिखा था ए वन? भी ग्राउंड फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी इतनी आई थी। पक्का? ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है रोलिंग, यदि अपन को एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए करना क्या होता। बता दिए? हाँ, राइट, लिख लिया सबने? आप स्मार्ट बन के बेवकूफ बन रहे हैं जीरो बोल के ना। मैंने आपसे पूछा इसकी वेलोसिटी जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, हेंस आंसर आ जाएगा, राइट? है ना, स्मार्ट बेवकूफ। अरे वो ऐसे ही कर दिया। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इस टेंशन का टॉर्क आएगा और ये टेंशन की टेंशन हमें लेने की जरूरत क्यों? इंटरनल है, ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं तो कैसी टेंशन हुई? इंटरनल, राइट? तो इस सिस्टम के ऊपर जब मैं टॉर्क लिखने जाऊंगा तो एम टू जी का टॉर्क आएगा और एम वन जी का टॉर्क आएगा और इन फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा यहां से। तो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम कंसिडरिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, पहले लिख लीजिएगा फिर कोशिश करिएगा, शायद समझ में आ जाए, हो सकता समझ में ना भी आए, राइट? सबके लिए नहीं है ये। यदि आपने अभी तक अच्छी प्रैक्टिस करी है टॉर्क वगैरह लिखने की, एंगुलर मोमेंटम लिखने की, तो समझ में आएगा। यदि लिख लिया हो तो एल ऑफ सिस्टम समझाना मुझे। M1 M2 उल्टे कर दिए क्या मैंने? ऑल राइट, थैंक यू। ये टेंशन का टॉर्क क्यों नहीं आया? एक्सिस को पास कर रहा है और ये वाली टेंशन का एक्सटर्नल इंटरनल मतलब इंटरनल फोर्स है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे ही लगा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। इसको पूरे को हम लोग एक सिस्टम रिजिड बॉडी के लिए तो नहीं मान सकते, टॉर्सिकल डायल्फा के लिए मान सकते हैं क्या? क्यों? इसका और इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, लेकिन हमको एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए रिजिड बॉडी वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम यदि हम लिखेंगे तो क्या आएगा? इसका अलग से लिख सकते हैं, ये तो एक पार्टिकल है, एम वन वी इंटू फोर आर, दिखा फोर आर लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन? श्योर? और प्लस, अब हम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं इस बॉडी का, K
क्या तरीका है मूविंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखने का? एंगुलर मोमेंटम सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास? आई टू ओमेगा टू हो गया बस, यार भी कुछ लिखना होता है? एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल है ऐसे सोच के भी लिख सकते हैं हम लोग, जो v2 वेलोसिटी से जा रहा है और कितनी दूरी पर है यहां से r। दैट्स इट, इसको उठा के उधर पुट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए। ये दो इक्वेशन की फिर भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि कंस्टेंट अलग से होता है। हां लेकिन इन तीन की जगह पर वो एक, इतना फर्क पड़ता है। टॉर्स इक्वल डीएल बाई डीटी आता है कि नहीं आता है उससे? और आई ओ आर वाई ओ आर सीखेंगे तो वो इसमें लगा नहीं पाएंगे आप, आई ओ आर से ये सॉल्व नहीं होगा। जो भी लोग ये सोच रहे कि इसने इंसिडेंट एक्सिस रोटेशन नहीं पढ़ाया, राइट, हमें तो पढ़ाया था, ये सवाल सॉल्व करके दिखा दो मेरे से पास, ये सवाल सॉल्व कर दो। और यहां मिल गया पॉइंट तो लिख दिया, नहीं मिलता तो नहीं लिखता। कोई डाउट? कर लेंगे मैनेज कंस्टेंट। किसी को एक कंस्टेंट समझने में थोड़ी सी भी तकलीफ है तो बोल दीजिए, इससे टफ कंस्टेंट का सवाल आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला। टफेस्ट ले लिया मैंने ऑलरेडी, रोडोव का सवाल है ये, बहुत टफ कंस्टेंट है इसका। पक्का? यस। ये हमने इसको नहीं माना जीरो, हमने इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हैंस रस्सी का ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है, हैंस इसलिए इसकी जीरो है। हाँ हाँ, लेकिन अब नहीं है, टेंशन वेरी। कहां पे टेंशन वेरी? ये वाली टेंशन, ये वेरिएबल होगी, ये आपको दिल से फील आ रही है इस पार्टिकल की, वो मासलेस चीज है और उसके ऊपर सिर्फ टेंशन लग रही है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। और मासलेस ऑब्जेक्ट के लिए आपको फोर्स से कैसे निकालेंगे आप? मासलेस ऑब्जेक्ट है ना वो, ये छोटे से एलिमेंट का मास कितना मान रहे हैं, स्ट्रिंग का मास कितना है? फिर और कुछ नहीं। अरे बड़े आगे, एनी डाउट्स? पक्का? तो मैं मान ले रहा हूं आप कंस्टेंट के कोई भी सवाल आएंगे आप कर लेंगे मैनेज या नहीं कर पाएंगे? श्योर? एक और करूं? चलिए एक और कर लीजिए। आप कुछ पूछना है? ओके, सिर्फ कंस्टेंट लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? ओनली कंस्टेंट कर लीजिए, जितनी प्रैक्टिस करनी कर लीजिए, कुछ नहीं। कंस्टेंट रिलेशनशिप, लिख दी। ऐसे जा रहा है, रस्सी ने ऐसे टॉर्क लगा होगा, यूं घूम रहा होगा, राइट, वो ऐसे घूम रही होगी रस्सी के टॉर्क की वजह से। कंस्टेंट रिलेशनशिप लिखनी है वी वन ओमेगा वन ओमेगा टू में, क्या रिलेशनशिप होगी? दोनों की रेडियस सेम है ऑब्वियसली, नहीं तो रस्सी वर्टिकल नहीं होगी। अरे रस्सी जिस तरह से मतलब वो टेढ़ी से जाएगी ना, रेडियस सेम है दोनों की।